दोस्तों पैरा कमांडो वर्सेस मार्कोस कमांडो, देखते हैं इन दोनों में से ज्यादा खतरनाक कौन है। तब तक जितने भी इंडियन आर्मी के फैंस हैं, जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब ठोक दो। तो मार्कोस कमांडो भारत का नंबर वन यूनिट है, वही पैरा कमांडो दूसरा। पैरा कमांडो मुख्य रूप से धरती पर लड़ने के लिए तैयार किए जाते हैं, चाहे जंगल हो, रेगिस्तान हो, चाहे कश्मीर की वादियां, हर जगह पर दुश्मन को ऐसे निपटाते हैं जैसे शेर अपने शिकार को। लेकिन मार्कोस कमांडो जल, हवा, जमीन, कहीं भी किसी ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। एक पैरा कमांडो की ट्रेनिंग इतनी मुश्किल होती है 1000 जवान में से सिर्फ एक ही ट्रेनिंग पास कर सकता है। सेम ऐसा ही हाल कुछ मार्कोस कमांडो का भी है। मार्कोस कमांडो की ट्रेनिंग अमेरिकन नेवी सील कमांडो के दर्ज पर की जाती है और कुछ मामलों में तो मार्कोस इनसे भी बेहतर है। पैरा कमांडो ही थे जिन्होंने उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया, जबकि मुंबई हमले के वक्त मार्कोस ने मोर्चा संभाला था। तो दोस्तों आपके हिसाब से कौन है विनर?